लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं बचेगा तू। मार मार खान मार। घूम जा रहा दोनों को, मार जा रहा जान से। मैंने निकाली थी क्योंकि उस शैतान का खात्मा मेरे हाथों होगा। उसे सिर्फ मैं मारूंगी, तुम लोग नहीं। बैठो। चौबीस घंटे के अंदर अंदर गीता और उसके पांच साथी मेरे सामने होने चाहिए, वरना मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी। और तुम अच्छी तरह जानते हो नागराज की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है। जाओ। भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ये कौन है जिसने इस गांव की बरसों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया? हाँ भाई साहब, कई बरसों से इस मंदिर में सिर्फ नागराज जी और उनके पुरखों ने तो पूजा की है। आज से नागराज के कहर से कोई नहीं बचा सकता। जिसने हमारे इजाजत के बगैर हमारे पुरखों के मंदिर में कदम रखने की जुर्रत की। तू? हाँ मैं। याद है मैंने कहा था कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। आज वो दिन आ गया नागराज। तू भूल गई हमने तुझसे क्या कहा था? मर गए नागराज को मारने वाले। तो जानती नहीं शिव की कितनी बड़ी कृपा है नागराज पे, और तू उसे मारने के लिए शिव के ही मंदिर में चली आई। तेरी मौत के लिए ये जगह इसलिए चुनी है नागराज कि तेरी आंखें बंद होते ही सारे गांव वालों की आंखें खुल जाए कि जिसे वो शिव का सबसे बड़ा भक्त मानते थे वो कितना बड़ा पापी और नीच था।
ले जाओ उसे। मालको, हमें मालूम था कि यह औरत यहां पर जरूर आएगी, इसलिए सारी तैयारियां करके आया हूं। हमारे देवता समान नागराज जी पर हमला करेगी, उन चार अंगरक्षकों की हत्यारण है तू, यहां से बच कर नहीं जाएगी। हटाओ इसे। शुक्र मना आज तू बच गया नागराज, लेकिन याद रखना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बंद करो इसे। हेलो, तुम सारे पुलिस वालों को लेकर कहीं चले जाओ फौरन। मुझे पूरा पुलिस स्टेशन खाली चाहिए। गीता और उसके साथी कानून के तो बाद में, पहले हमारे मुजरिम हैं। अब उनसे पहले हम हिसाब चुकाएंगे। उन्होंने आज जो ये हिम्मत की है उसकी उन्हें सजा मिलेगी, और वो सजा कानून नहीं मैं दूंगा, मैं अपने हाथों से दूंगा। वैसे तो औरत मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं आज तेरे साथ प्यार का नहीं नफरत का सुलूक करूंगा। मर्द का बच्चा है तो एक बार सिर्फ मेरे हाथ खोल दे, तुझे खुद पता चल जाएगा कि औरत तेरी कमजोरी है या तू औरत से कमजोर है। हमारे नागराज साहब, जानती है कौन है वो? हाँ, इस देश के सबसे बड़े उग्रवादी, असला बारूद के सबसे बड़े व्यापारी, उन पे हमला। तूने जो हम सबको जख्म दिए हैं, आज उन सारे जख्मों को सूद समेत वापस करूंगा तुझे। बता तेरे बाकी के साथी कहाँ हैं? बोल। बुनियाद कुत्ते, बच्चे को अनाथ होने से बचाया उसे गले नहीं लगाओगे? गीता जी, आपने हमें माफ कर दिया। अगर आज भी तुम दोनों को माफ नहीं किया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। शुक्रिया, शुक्रिया। खान भाई, मुन्ना, मुन्ना भाभी,
क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आज पहली बार मुझे अपने डैडी की असलियत का पता चला है गीता जी। शायद ये असलियत मुझ पे ना खुले, इसलिए बचपन से ही उन्होंने मुझे अपने से दूर रखा। लेकिन आज तक मैं दूर रह के भी अपने डैडी से इतना दूर नहीं थी जितना आज उनके करीब होके दूर हो गई हूँ। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ भाभी, लेकिन शायद इसी को किस्मत कहते हैं कि इंसान जिसे कभी दूर नहीं रह सकता अक्सर उसी से दूर होकर जीना पड़ता है। देखा मेम साहब, ये देखिए मुन्ना आज कितना खुश नजर आ रहा है। अरे लो 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 ला 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 लोरी दूध की कटोरी। ये इसलिए खुश है खान कि आज पहली बार इसकी आर्मी पूरी हो गई है। शायद आज पहली बार इसे लग रहा है कि इसके पिता के कातिलों को अब सजा जरूर मिलेगी। ये मुस्कुराहट नहीं, जंग का ऐलान है। उस जंग का जो इसके पिता मेजर अर्जुन सिंह ने शुरू की थी और खत्म हम करेंगे। बच्चे की शक्ल बिल्कुल बात पर गई है मेजर लगता है। डैडी, डैडी, खबरदार अगर इस बच्चे पर आंच भी आई तो। विदेश में पढ़ने का मतलब यह तो नहीं कि अपने बाप से बात करने की तमीज भी भूल जाओ। ले जाओ इसे। नहीं, नहीं। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया, मेरे दोस्त के बेटे को मार डाला, अब तुम्हारे इस बच्चे की बारी है। अगर मेरे बच्चे के जिस्म पर एक खराश भी आए ना नागराज, तो कसम है मुझे उस भगवान की जिसका भक्त है तू, तेरी मौत तुझ पर इतनी मुश्किल कर दूंगी कि मरने से पहले 100 बार मरेगा तू। मर गए नागराज को मारने वाले। ए, बांधो इन हरामजादों को और टाइम बम लगा दो। बाकी सबको काल कोठी में डाल दो। बॉबी को भी। नहीं डैडी, छोड़ दीजिए इन्हें। प्लीज डैडी, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए इन्हें डैडी। प्लीज डैडी, छोड़ दीजिए। चुपचाप बैठे रहो। एक बार अपुन के हाथ खुल जाए, उस नागराज के चिथड़े उड़ा दूंगा इसी बम से। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप जिंदा है? ये मेरी खुशनसीबी है और तुम लोगों की बदनसीबी है जो मैं बच गया। जिंदा रहने के लिए मैंने मौत के साथ जंग लड़ी है हरामजादों, और मैं जिंदा सिर्फ इसलिए रहना चाहता था कि तुम जैसे कानून के मुजरिमों को कानून के हवाले कर सकूं। अपुन अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार है, लेकिन जेलर पहले ये बम तो निकालो जो नागराज अपुन को लगा कर गया है। हमें गीता और उसके बच्चे को बचाना है जेलर। गीता का बच्चा? हाँ, गीता का बच्चा। जिस मिट्टी पर गीता का सुहाग मिटा था, उसी मिट्टी पर उसके सुहाग की निशानी एक नन्हे से प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। जेलर साहब, नागराज गीता जी और मुन्ने को उठा ले गया। जेलर साहब, वक्त बहुत कम है, अपुन को अपनी जान की परवाह नहीं जेलर, लेकिन इस महाभारत में वो शैतान नागराज मरेगा, गीता और मुन्ना नहीं। नहीं, गीता और मुन्ना नहीं। जय भोलेनाथ। तुम्हारी आर्मी खत्म हो गई, लेकिन चैन तो मुझे तभी मिलेगा नागराज जब इसकी आर्मी के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगी। इसकी जान इसके जिस्म से मैं इन्हीं हाथों से निकालूंगा। पंचम शांत, सब मौका मिलेगा तुम्हें, तुम ही मारोगे इसे,
मगर इतनी आसान मौत नहीं, तड़पा तड़पा कर। हम देखना चाहते हैं कि मां की ममता अपने बच्चे को कब तक हमारी तीसरी आंख के कहर से बचा सकती है। तैयार करो इसे और हमारे दरबार में पेश करो। अभिमन्यु नहीं मरेगा। दोस्तों को मारा है, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, तुम लोग नहीं मारोगे इसे। आज ये हर हाल मेरे हाथों मरेगा। नहीं गीता जी, इसने हमारे खान और कबीर भाई को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं करतार, पीछे हटो। अरे मर गए नागराज को मारने वाले, तो जैसी लाचार औरत, एक बेबस मां और विधवा मेरा क्या बिगाड़ेगी। नागराज का डसा हुआ पानी तक नहीं मांगता। शिव की महिमा है नागराज पे। आज तेरे साथ साथ तेरी औलाद को भी मौत के घाट उतार दूंगा मैं। भाभी, यही वो तलवार है जिससे शैतान ने मेरे भैया को मारा था। नागराज, आज नहीं बचेगा तू। पाखंडी भक्त, किसी भगवान की कृपा नहीं है तुझ पर। आज मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी। आज इसे कोई नहीं रोक सकता। Yeah.
अब इस छोटे मेजर की जिम्मेदारी तुम पर है भैया। इसे अर्जुन की तरह निडर और बहादुर बनाना। भैया मेरी वजह से तुम्हें जलील होना पड़ा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर देना। इस शैतान को मारकर आज मेरा मकसद पूरा हो गया। आज मैं अपने आप को तुम्हारे और कानून के हवाले करती हूं। क्या हाल है बिड़ो? अरे बेटा अरे मीना अरे आजा मेरे